मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म शिक्षा में। मित्रों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो 11 नियम जिसको आप अगर फॉलोअप करेंगे तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा, सुख समृद्धि आएगी, घर में शांति रहेगी। तो मित्रों आप सुनते रहिए। मित्रों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे, आप इसी तरह लाभ उठाते रहें। तो सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी करें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वो 11 क्या हैं जिनको करने से हमें फल मिलता है। तो सबसे पहले मित्रों, पूजा घर ऐसा घर है जो हर घर में ज़रूर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी घर हो, लेकिन भगवान का स्थान घर में ज़रूर होता है। तो पूजा घर में ध्यान रखें कि 2 शिवलिंग या 3 गणेश जी की मूर्ति, 3 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा, 3 देवी मूर्ति, गोमती चक्र, 2 शालिग्राम की प्रतिमा, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर शिवलिंग रखनी है तो 1 शिवलिंग रखेंगे, गणेश जी की मूर्ति अगर है तो 2 ही रखेंगे, या 1 रखें, 1 रखें सबसे बढ़िया है, शंख 1 ही रखें, सूर्य की प्रतिमा भी 1 ही रखें, देवी की 3 प्रतिमा कभी नहीं रखें, और गोमती चक्र भी 1 रखें, शालिग्राम जी की भी प्रतिमा 1 आप रख सकते हैं, ये आप फॉलोअप करें बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है हमारे शास्त्र में और उसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम प्रतिमा। अब हम दूसरे पे आते हैं, दूसरा नियम, घर में 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से बड़ी प्रतिमा कभी नहीं होनी चाहिए, वो शुभ नहीं माना जाता है। 9 इंच से बड़ी प्रतिमा मंदिर में ही रहनी चाहिए, घर में नहीं, वो 9 इंच से बड़ी प्रतिमा घर में अशुभ माना जाता है। तो घर में जब भी मूर्ति खरीदें कोई भी, तो वो 9 इंच से छोटी ही होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। तीसरी है, परिक्रमा जो हम करते हैं भगवान की, तो वो किस भगवान की कितनी बार करनी चाहिए। जैसे देवी की परिक्रमा हमें 1 बार करनी चाहिए, सूर्य की 7 बार, गणेश की 3 बार, विष्णु की 4 बार तथा शिव की आधी बार करनी चाहिए। चौथा नियम है, आरती करते समय हमें पता नहीं होता किन भगवान को कितनी बार आरती दिखानी है, लेकिन उसका भी एक नियम है, भगवान विष्णु के समक्ष 12 बार आरती दिखानी चाहिए, सूर्य के समक्ष 7 बार, दुर्गा जी के समक्ष 9 बार, शिव जी के समक्ष 11 बार तथा गणेश जी के समक्ष 4 बार आरती घुमानी चाहिए। ऐसा नहीं कि घुमाए जा रहे हैं हमें पता ही नहीं कितनी बार किनके सामने घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं, इनका ध्यान रखें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, भगवान विष्णु के समक्ष 12 बार, सूर्य के समक्ष 7 बार, दुर्गा के समक्ष 9 बार, शिव के समक्ष 11 बार तथा गणेश जी के समक्ष 4 बार आरती दिखाने से शुभ होता है। पांचवें टिप्स पे आते हैं हम, पूजा करते समय कभी भी भूमि पर मत बैठें, आसन जरूर रखें, भूमि पर बैठना अशुभ होता है, आसन जरूर रखें। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये है भी है, नीचे बैठने से बहुत सारे बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाते हैं, तो कुछ बिछा के ही हम बैठें तो सही है। अब छठे पे आते हैं, छठा नियम ये है, जब हम भूमि पूजन करते हैं घर बनाने से पहले, शिलान्यास जो होता है तो शिलान्यास के लिए ध्यान रखें कि वो अग्नेय दिशा में ही, शेष निर्माण बाद में होते रहे लेकिन अग्नेय दिशा से ही शिलान्यास हो, और मध्यान्ह, मध्यरात्रि तथा सायंकाल में नींव ना रखें, इन तीनों समय में नींव रखना अशुभ माना जाता है। सातवां, पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में नीची भूमि सबके लिए अत्यंत लाभकारी, अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होता है। जो भूमि हमारे जहाँ भी हम घर में आते हैं वहाँ की भूमि नीची ऊँची होती है, तो नीची भूमि ढलान जो होता है वो पूर्व, उत्तर या दिशा ईशान दिशा में ही होनी चाहिए, पूर्व में, उत्तर में या ईशान में, इन तीनों दिशा में ही हो वो तो सही रहता है।
इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नीची भूमि आप कैसे पता चलाएंगे, बारिश का पानी जिधर स्टॉक हो उधर नीची भूमि है, तो इस तरह से आप पता चला सकते हैं उसका। अब आते हैं हम आठवें पे। मित्रों, हमारे घर के बगल में अक्सर पेड़ होता है, तो किस घर के किस दिशा में कौन सा पेड़ होना चाहिए वो सुन लीजिए आप। उत्तर में पाकर का पेड़ होना चाहिए, जिसे प्लक्ष भी कहा जाता है। पूर्व में वटवृक्ष, दक्षिण में गुलर तथा पश्चिम में पीपल का वृक्ष शुभ होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, किसी वृक्ष की छाया आपके घर पे ना पड़े। पेड़ की छाया घर पे पड़ना अशुभ माना जाता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि चारों तरफ पेड़ तो हो लेकिन उसकी छाया घर पे नहीं पड़नी चाहिए। अब आते हैं नौवें पे। मित्रों, जब हम घर बनाते हैं तो कई बार क्या करते हैं, पुराने घर का सामान नए घर में यूज कर लेते हैं, तो अब ध्यान रखें, ईंट, लोहा, मिट्टी तथा लकड़ी का कोई भी सामान नए घर में हमें यूज नहीं करना है। जो भी पुराने घर में है उसको पुराने घर में ही रहने दें, या किसी को दे दें, बेच दें, कुछ भी करें, नए घर में सब कुछ नया ही कोशिश करें, नया ही लगाने का, पुराना कभी नहीं यूज करना चाहिए। और ये चार चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं लगानी चाहिए, इसमें ईंट, लोहा, मिट्टी तथा लकड़ी, ये अशुभ माना जाता है। अब आते हैं दसवें पे। दसवां है मित्रों सोने से संबंधित। हम जो सोते हैं वो पूर्व दिशा में ही सोनी चाहिए, सबसे उत्तम माना जाता है। अगर पूर्व में नहीं हो पॉसिबल तो दक्षिण दिशा में सोने का स्थान बनाएं, सर रखें दक्षिण दिशा में वो रख सकते हैं। लेकिन अगर ठीक सब कुछ ठीक हो तो सोने का दिशा हमेशा पूर्व ही रखें, पूर्व में सबसे लाभप्रद होता है। अगर पूर्व अवेलेबल नहीं है तो दक्षिण दिशा में सर रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में अगर रखेंगे और किसी दिशा में तो नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है, तो इसके लिए ये सही है। अब ग्यारहवें पाते हैं, प्रतिदिन माथे पे तिलक या चंदन लगाकर ही घर से निकलें, आपका कार्य सफल होगा और साथ ही साथ पॉजिटिव एनर्जी भी आप पे आएगी, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लगेंगे और आपका कार्य ज़्यादा सफल होगा। तो ये 11 नियम है मित्रों, अगर इसे आप फॉलोअप करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।